राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। खजुराहो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन के प्रांतीय आह्वान पर जिला छतरपुर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संगठन ने प्रज्वलन दीप जलाकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई, जिसमें समस्त विभाग के समस्त कर्मचारियों को शामिल किया गया। पुरानी पेंशन बहाली संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जो कि आज रविवार के होने के कारण कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संगठन के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना काल को देखते हुए कम लोगों की अनुमति होने के कारण यह जागरूकता और ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है। पदाधिकारियों द्वारा शासन से मांग की गई है कि हमारा हक पुरानी पेंशन है, उसको बहाल किया जाए, नहीं तो प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशाल आंदोलन होगा और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन गांधी आश्रम किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी जिलाध्यक्ष एवं BRCC लखन सिसोदिया द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती नम्रता शुक्ला द्वारा कविताओं के द्वारा कर्मचारियों को जागृत किया गया। NPS की खामियां एवं PS के फायदे बताए गए। ज्ञापन का सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीटिंग में संगठन के कार्यकारी जिलाध्यक्ष एवं BRCC लखन, जिला अध्यक्ष नम्रता शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष महिला मोर्चा पूनम साहू, ब्लॉक अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा नौगांव अर्चना मिश्रा, श्रीमती जुबेदा खान, मनोज गुप्ता, ब्लॉक मीडिया प्रभारी राजनगर सोहन सेन एवं संगठन के समस्त विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रांतीय संगठन से संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद शुक्ला एवं ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला IT सेल प्रभारी रामपाल पाल उपस्थित रहे। यह समस्त जानकारी जिला IT सेल प्रभारी एवं ब्लॉक अध्यक्ष रामपाल पाल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति हेतु दी गई है।